आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट और थिक ग्रेवी वाला पनीर मसाला। नमस्कार, सोनालिका गौमे किचन में आपका स्वागत है। बहुत ही डिलीशियस इस सब्जी को बनाने के लिए इस रेसिपी को फॉलो करें और इसी तरह की नई रेसिपीज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं पनीर को मैरिनेट करने से। 200 ग्राम पनीर लिया है, क्यूब्स में कट कर लिया हमने इसको। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक या स्वादानुसार ले लें। नींबू का रस हमने लिया है, आधा नींबू हमने इसमें डाला है। इसको बढ़िया से कोट करें पनीर को मसालों में, और जब ये बढ़िया से मसालों में कोट हो जाए तो इसको ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें। इस बीच कढ़ाई को गर्म करें, सरसों का तेल डालें, बिल्कुल बढ़िया से सरसों तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें डालें तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च और जीरा। इसको चटकने दें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज का पेस्ट। तो प्याज को पेस्ट बना के लेने से ये बड़ा अच्छा टेस्ट आता है और ग्रेवी काफ़ी थिक बनती है। जब ये रिड्यूस हो जाए तो इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। यहाँ पे हमने आधा चम्मच लिया है, ये रोस्टेड जीरा पाउडर है। और इसको अच्छे से मिलाएं, मीडियम लो हीट पर हम मसालों को पका रहे हैं यहाँ पे, तो इसको अच्छे से मिलाएं। जब मसाले बिल्कुल बढ़िया से रिड्यूस हो जाएंगे तब हम इसमें ऐड करेंगे नमक और टमाटर की प्यूरी। टमाटर हमने 2 मीडियम साइज़ का लिया था, इसको पीस लिया था ब्लेंडर में, और बिल्कुल बढ़िया से इसको आप मिक्स करें। टमाटर डालने के बाद मसाले थोड़े स्प्लिट होते हैं तो इसको ढक करके 3 से 4 मिनट के लिए हम फिर से पकाएंगे मीडियम लो हीट पर। तो 3 से 4 मिनट के बाद ये देखिए टमाटर बहुत अच्छा रिड्यूस हो गया, बीच में एक दो बार ही हमने चला लिया था। इसको अच्छे से मिलाएं और इसमें अब हम डालेंगे बेसन 1 चम्मच। इससे ग्रेवी काफ़ी अच्छी और थिक होती है। गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच, कसूरी मेथी हमने डाला है 1 चम्मच, बटर हमने डाला है यहाँ पे 1 चम्मच। इसको बहुत बढ़िया से इसमें मिलाएं और इसको भी हमें अच्छे से फ्राई करना है, तो इसको मिलाते हुए फ्राई करें। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने अभी डाला है, ये हमने पहले शुरू में डाला, ये हम भूल गए थे, तो अभी डाल लेते हैं। कोई बात नहीं, इस तरह से मिला लें और मसालों में फिर से इसको मिला के 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पे मसालों के साथ इसको फ्राई कर लें और बिल्कुल बढ़िया से मिला लें। जब ये मसाले लगने लगे तली में और तेल बिल्कुल बढ़िया स्प्लिट हो जाए तो पहले 1 कप पानी डालें, इसको अच्छे से मिला लें और उसके बाद फिर से 1 कप पानी। कुल मिलाकर हमने यहाँ पे 2 कप पानी डाला है। इसमें जब उबाल आ रहा है जब तक, तब तक पनीर को चेक करते हैं, बढ़िया से मैरिनेट हो गया है। अब एक पैन को गरम करेंगे हम, उसमें डालेंगे 2 चम्मच घी, ये देसी घी हमने डाला है, और पनीर को हम शैलो फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई हमें नहीं करना है, इससे पनीर का जो टेक्सचर है बहुत ही ज़्यादा नरम हो जाता है और बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो इसको 1 से 2 बारी करीब 1 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे हाई हीट पर, और जब ये फ्राई हो जाए और ग्रेवी में एक उबाल आ जाए तो पनीर को हम ग्रेवी में मिला लेंगे। और इसको मिलाने के बाद अच्छे से मसाले में कोट करेंगे। अब पनीर को इन मसालों वाली ग्रेवी में हमें करीब 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाना है, या एक उबाल आ जाए बढ़िया तब तक। जब एक उबाल आ जाएगा तब इसमें डाले हरी मिर्च काट के और थोड़ी सी धनिया की पत्ती। इसको अच्छे से मिला ले और एक उबाल फिर से आने दे, और जब बढ़िया एक उबाल आ जाए तो गैस को बंद कर दे और इसको गर्मा गर्म सर्विंग बोल में डाले। बहुत ही स्वादिष्ट पनीर मसाला तैयार है, इसका आनंद ले। थैंक यू।